एक मस्जिद जहां गए और महिलाएं भी जा सकती हैं, वो भी बिना हिजाब। बड़ी सी मीनारें और उस पर तने हुए लाउड स्पीकर। अमूमन मस्जिद की पहचान यही होती है। मस्जिद की एक और पहचान होती है, यहां औरतें आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां औरतों को जाने पर पाबंदी होती है। जहां औरतें नहीं जा सकती है, वहीं गए का जाना तो नामुमकिन है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब प्रभु की इबादतगाह हैं। ईश्वर कभी किसी को आने से रोक नहीं सकता, लेकिन इंसानों ने ये खांचे खींचे हैं, जिनमें आपका फिट बैठना जरूरी है। अगर आप उस खांचे से थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो आप इबादत या प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसी इबादतगाह बनी है, जिसने इंसानों की बनाई हुए इन खांचों को तहस नहस कर दिया है। इसे आप मस्जिद कह सकते हैं, भले ही इसमें ऊंची ऊंची मीनारें नहीं बनी हैं और ना ही यहाँ लाउड स्पीकर का शोर है, पर अल्लाह की इबादत वैसी ही होती है जैसी आम मस्जिदों में। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मस्जिद एक गिरजाघर के अंदर बनी है। बर्लिन में बनाई गई इस मस्जिद का नाम मध्यकाल के एक दार्शनिक इब्न रुश्द और जर्मनी के लेखक गोथे के नाम को मिलाकर इब्न रुश्द गोथे मस्जिद रखा गया है। जर्मनी में बनी इस मस्जिद में जाने से पहले महिलाओं को संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गए हैं तो भी यहाँ जा सकते हैं। आप शिया है, सुन्नी है या फिर कोई और, इस मस्जिद को कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं हिजाब पहन कर आए न आए, ये उनकी मर्जी है। महिलाएं अगर इमामत करना चाहे तो वेलकम है। इस मस्जिद को जर्मनी की ही 54 साल की महिला एट्स ने बनाया है। एट्स का पिछले 8 सालों से चला आ रहा ये संघर्ष अब खत्म हुआ है। पशे से वकील और मेन राइट्स एक्टिविस्ट सीरान एट्स की ओर से लिबरल मुस्लिमों के लिए बनाई गई ये मस्जिद अपने तरह की पहली मस्जिद है। इस तरह की मस्जिद के निर्माण का सपना पूरा हो से बेहद खुश एट्स बताती हैं। इस मस्जिद का निर्माण लंबे समय से होना था। मैं मुसलमान हूं और मेरे मजहब के नाम पर इतना ज्यादा इस्लामिक आतंक फैला हुआ है, आसपास इतनी बुराई है। ऐसे समय में जरूरी है कि मेरे जैसे आधुनिक और उदारवादी मुस्लिम लोगों के सामने आकर इस्लाम का सच्चा रूप पेश करें। ये मस्जिद सबक है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के घर आने से उनके बंदों को रोकते हैं, इंसानी कमियों और खूबियों की वजह से उन्हें अल्लाह से दूर करते हैं। एड्स की भी मंशा यही है कि लो समझे कि ईश्वर कभी किसी में भेद नहीं करता, उसके लिए सब बराबर हैं।